हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू आईएफएस एप्टीट्यूड। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो आज हमारा क्वेश्चन रह गया, दैट विल बी दिस। देखो, एक क्वांटिटी कंपैरिजन का सवाल है जिसमें हाइट, पांच लोगों की हाइट को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, तो उनको हमको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना। उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो 1 मिनट का आप समय यहाँ पे इस क्वेश्चन को ले सकते हो। उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करता हूँ, तो टेक 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत आसान सवाल है, इस तरह के सवाल बहुत बार पूछता है सीएसआर के अंदर। देखो, क्वेश्चन से कह रहा है अमंग जे के एल एम एंड एन, यानी कि ये पांच पर्सन है। ईच वन ऑफ देम इज ऑफ डिफरेंट हाइट, सबकी हाइट अलग अलग है। के इज टॉलर देन ओनली 1 पर्सन। अब ये कह रहा है के केवल एक ही पर्सन से टॉलर है, यानी कि के से छोटा 1 पर्सन होगा केवल, और उससे छोटा फिर कोई भी नहीं होगा। तो यानी कि इस चीज को हम यहाँ पे सजा सकते हैं, नहीं कुछ इस तरह से कि भाई के से जो छोटा है वो केवल एक ही पर्सन है। तो जब एक ही पर्सन उससे छोटा है, यानी कि उससे पहले कोई नहीं होगा फिर, यानी कि बाकी के जो 3 पर्सन होंगे दैट विल बी टॉलर देन के। ये बात तो कन्फर्म है कि एक अगर के से एक छोटा है तो बाकी के 3 लोग के से फिर लंबे होंगे। के इज टॉलर देन ओनली 1 पर्सन, एम इज शॉर्टर देन ओनली एल। कह रहा है एम केवल एक ही पर्सन से शॉर्टर है, बाकी सबसे क्या होगा फिर टॉलर होगा, तो एम यहाँ पे आएगा। अगर एम केवल एक ही पर्सन यानी कि एल से छोटा होगा, तो यानी कि एल सबसे लंबा होगा और एम उससे जस्ट छोटा होगा। बाकी 2 लोगों की यहाँ पे प्लेस बचा है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है एम इज टॉलर देन, ये जो एम है दैट इज टॉलर देन जे एंड एन बोथ। अब भाई जे और एन दोनों को यहाँ पे हम यहाँ पे फिल करेंगे, लेकिन अब कह रहा है एम जे और एन दोनों से टॉलर है। अब भाई जे को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, एन को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, तब भी एम जे और एन से टॉलर होगा। अगर मैं एन को यहाँ पे रखूंगा, जे को यहाँ पे रखूंगा, तब भी एम जे एन से टॉलर होगा, यानी कि दोनों कंडीशन में ये चीज सेटिस्फाई कर रही है। अब कह रहा है हु अमंग देम इज द थर्ड टॉलेस्ट, यानी कि हम अकॉर्डिंग टू द डेटा केवल इतना ही चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जे और एन की जो डेफिनेट पोजीशन है वो हमको अभी नहीं पता लगेगी। हो सकता है जे यहाँ पे हो सकता है जे यहाँ पे हो सकता है एन यहाँ पे हो सकता है एन यहाँ पे हो, दोनों में से दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब सवाल ये कह रहा है हु अमंग देम इज द थर्ड टॉलेस्ट, भाई थर्ड टॉलेस्ट कौन है? सबसे टॉलेस्ट ये है, सेकेंड टॉलेस्ट ये है, दिस इज थर्ड टॉलेस्ट। थर्ड टॉलेस्ट में जे भी हो सकता है और एन भी हो सकता है, जे भी हो सकता है और एन भी हो सकता है। इसलिए आइदर ए और सी, यानी कि ए और सी में से एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही सही से पेशेंस से करना है, क्योंकि अगर आप जे देखोगे आप टिक लगा दोगे, लेकिन यहाँ पे जे और एन दोनों आंसर हो सकते हैं। तो आइदर ए और सी का मतलब है ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में से एक आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच ऐसे ही क्वेश्चन को जानने के लिए। और आप क्या करो, एप्टीट्यूड चैनल पे आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और नए नए क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और एप्टीट्यूड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।